औद्योगिक नगरी पीतमपुर की नगर पालिका में सफाई कर्मी पिछले दिनों अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे जो वापस लौट आए हैं। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संगठन के जिला अध्यक्ष संजय भैरवे के अनुसार सफाई कामगार संगठन द्वारा सफाई कर्मियों के ज्वलंत मुद्दों के संदर्भ में प्रदेश सरकार को मांग पत्र दिया गया था, जिसको लेकर सफाई कर्मी हड़ताल पर थे, जिसे आज नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि सुरेश पटेल द्वारा सफाई कर्मियों से मुलाकात कर उन्हें समझाइश देकर आश्वासन दिया गया कि उनकी मांगे जल्द पूरी की जाएगी, विनियमित को नियमित किया जाएगा, वहीं कलेक्टर रेट पर नियमानुसार वेतन का भुगतान भी किया जाएगा, जिसके बाद सफाई कर्मी द्वारा जारी हड़ताल स्थगित कर पुनः कार्य पर लौटने को तैयार हुआ है, जिससे अब शहर की स्वच्छता में बिना किसी रुकावट के कार्य चलता रहेगा और शहर के साफ सफाई का कार्य सुचारू रूप से किया जाएगा और शहर के साफ सफाई का कार्य सुचारू रूप से शुरू किया गया। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। जी बताएं, आज जो हड़ताल क्या लगा पाली? देखिए, हमने हड़ताल समाप्त नहीं की है, स्थगित की है। हमें मंगलवार तक के आश्वस्त किया है कि जो 115 कर्मचारी जो रिक्त पद हैं उस पर विनियमित को स्थायीकरण का लाभ दिया जाएगा। ठेके पे जो भी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनको क्या कलेक्टर ट्रेड दिया जाएगा और मस्टर वाले कर्मचारियों को विनियमित किया जाएगा जैसा ही शासन का आदेश आ जाता है। मैं सिरसिया इंदौर संभाग अध्यक्ष। आज हमारे सफाई कर्मचारियों की जो भाई बहनों की हड़ताल हुई है, इसके लिए हम शासन को लिखित रूप से भेजेंगे और जैसे ही शासन के आदेश आते हैं हम तुरंत इनके जो भी मांगे हैं उनको पूरी करेंगे। अभी हड़ताल ये लोगों क्या है? आज से ये लोग काम पे लग चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे काम। आपका नाम? मेरा नाम सुरेश पटेल, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि पीतमपुर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।